नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर भाजपा में मंथन का दौर जारी है और कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में अंतर्कलह भी साफ नजर आ रही है। पर अब भाजपा तमाम ऐसे मुद्दों से आगे बढ़ती हुई अपनी पुरानी नीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है, जिसके तहत भाजपा फिर से ओबीसी और SC ST वर्ग को साथ में जोड़े रखने की कोशिश में लग गई है। बताते चले कि ये वर्ग लोकसभा चुनाव में भाजपा से कुछ दूर हुए थे, जिसके चलते भाजपा को उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा था। अब भाजपा अपनी पुरानी नीति पर आगे बढ़ते हुए बैठक और सम्मेलनों की व्यवस्था में फिर से लग गई है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के PWD के विश्वेश्वरैया हॉल में भाजपा उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, MLC रामचंद्र प्रधान समेत सहित अन्य प्रदेश के वरिष्ठ पिछड़े नेता शामिल हुए। ओबीसी मोर्चा का कार्य समिति है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक कार्यक्रम होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके मोर्चे जितने हैं अपनी कार्य समिति करती है, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करती है, राजनीतिक प्रस्ताव लाती है और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देंगे। अब आगे कार्यक्रमों की घोषणा होगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा यानी संगठन भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हो, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसका मान सम्मान बढ़े और सरकार संगठन मिलकर गरीब की सेवा करे, ये सब योजनाएं ये बनाएंगे। आप क्या बोलेंगे बैठक, इतना ओजस्वी जैसे बैठक की गई है, क्या विचार है, क्या रणनीति होने वाली है, क्या प्रस्ताव पास होने वाला है? अब 2 बजे से राजनीतिक प्रस्ताव मोर्चे के माध्यम से पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर 2017 जैसे परिणामों के परिणाम पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सशक्त मजबूत करेंगे। आज की प्रदेश कार्य समिति बहुत सफल, बहुत कामयाब और बहुत ही सारगर्भित रहने वाली है। चूँकि अब लंच के बाद हमारे दोनों डिप्टी CM आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, बृजेश पाठक जी और उसके उपरांत लगभग 3:30-4 बजे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलेगा। तो ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम। इसमें कितनी जरूरी बैठक थी, बहुत जरूरी थी इस बैठक को? जरूरी के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक सतत प्रक्रिया है। समय समय पर प्रदेश कार्य समिति का होना, प्रदेश प्रशासन वर्ग का होना तो संगठन की बाध्यताएं हैं, जिसके माध्यम से हम संगठन को मजबूत करने का काम करें। ठीक, बीजेपी के पिछड़ा वर्ग की मोर्चा की कार्यसमिति बैठक थी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री पिछड़ा मोर्चा और MLC रामचंद्र प्रधान। क्या बोलेंगे, बैठक बहुत जरूरी थी क्योंकि परिणाम जो आया है उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रणनीति बनानी जरूरी है। देखिए, ये हमारे OBC मोर्चा की कार्य समिति है और इस समिति में हमारे प्रदेश के सारे सीनियर्स लोग आए हैं। आगे अभी समापन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को आना है। ये हमारी कार्य समिति हर जैसे मेन बॉडी की होती है, सारे मोर्चा करते हैं और इस कार्य समिति के माध्यम से हम पूरे उस साल के पूरे वर्ष की हम योजनाएं बनाते हैं और उस योजनाओं के तहत हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। जहाँ तक ये महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जाएगा कि जो हमारी अपेक्षा के अनुसार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, OBC के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और साथ रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रम फैला करने का काम किया है, जो उस भ्रम के वजह से जो हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम किया, तो ये OBC के जो हमारे जिस ये सारे सेना के नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, ये उनको उनके बीच में जाएंगे, जो भ्रम फैलाया उसको हम लोग उसको क्लियर करेंगे, साफ करेंगे कि ये लोग क्या किए हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में
ओबीसी पहले भी था और आगे भी रहने वाला है। कितना मानते हैं कितना सफल हो पाएंगे, जैसे आपने कहा बीजेपी ने नैरेटिव फैलाया है, लोग भ्रम में आ गए हैं? देखिए वो समय हमसे कहीं ना कहीं हम ओबीसी के लोगों से चूक हुई, वो इसलिए चूक हुई कि हम लोगों को नहीं लगता था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने भ्रम फैलाया, जैसे संविधान बदलने का, आरक्षण समाप्त करने का, झूठ बात करके कि 8,500 रुपया महीना देंगे, तो हमारे जो ये ओबीसी समाज के लोग हैं ये बहुत भोले भाले लोग हैं, ये उनके बहकावे में आए या उनके भ्रम में फैले। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ने वाली है। सत्र शुरू हो गया है मानसून का, विपक्ष हमलावर है, बेल तक पहुँचे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। सत्र शुरू हो गया मानसून का, मैं तो समाजवादी पार्टी का ये नेचर है, समाजवादी पार्टी का ये उनके नेचर में है, उनकी प्रवृत्ति है कि हमेशा किसी भी अच्छे काम को दबाना और इसी तरह के हल्ला गुल्ला करके जो काम सरकार अच्छा कर रही, गरीबों के हित में कर रही, जनहित में काम कर रही, उनके कामों को अपना हल्ला काट करके छोक दबाना, ये उनकी प्रवृत्ति। तो ये था हमारे साथ एमएलसी रामचंद्र प्रधान का कहना है कि बैठक हुई और बैठक के माध्यम से यहाँ पर रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो नैरेटिव पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने फैलाया था उसको यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर आने वाले समय में ओबीसी वर्ग को कैसे मजबूत करना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल इस बात स्पष्ट है कि यहाँ बैठक की गई है, बैठक के माध्यम से यहाँ पर उत्साह फूंकने काम किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं उत्साह यहाँ को बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, उसके साथ साथ अभी 27 की रैली भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष को भी संजीवनी मिली है, तो कहीं ना कहीं चुनौती यहाँ मिलती नजर आएगी। आने वाले समय में क्या बैठक हुई, किस तरह से यहाँ पर प्रस्ताव पास होंगे वो समय बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर रणनीति बहुत जरूरी है और फिलहाल बीजेपी उसी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सीरीज भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।